जीएसटी क्या है? अगर कोई भी आपसे पूछे जीएसटी की क्या विशेषताएं हैं, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें कुछ खास विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली बात है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए आप चाहें तो व्यापक शब्द का प्रयोग करें, तो जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा इसका पक्ष है कि मल्टी स्टेज्ड, बहुचरणीय आप कह सकते हैं, मल्टीपल स्टेजेस में लगने वाला टैक्स है, मल्टी स्टेज टैक्स है। तीसरा आप कह सकते हैं कि ये एक वैल्यू एडिड टैक्स है, और चौथा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। बस इन चार शब्दों में सब छिपा हुआ है। जीएसटी जो भारत में लगा वो एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कॉम्प्रिहेंसिव है, और क्या क्या है, मल्टी स्टेज्ड है, वैल्यू एडिड है, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है तो आप समझ रहे हैं, और क्या ये बात आप समझ रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस में इसकी ज़रूरत भी नहीं थी? डायरेक्ट टैक्स में कैस्केडिंग है ही नहीं, तो क्यों ये सब करेंगे, सीधा सीधा टैक्स लेते हैं। इनडायरेक्ट में ही दिक्कत ज़्यादा थी। कॉम्प्रिहेंसिव कहने का मतलब है कि ये बहुत सारे टैक्सेस को मिला के बनाया गया है, इसके लागू होते ही बहुत सारे टैक्सेस खत्म हो जाते हैं। कौन से खत्म हो जाते हैं? तो देखिए, यूनियन के कौन से खत्म होते हैं और स्टेट के कौन से खत्म होते हैं। यूनियन के टैक्सेस में जो पहला खत्म होगा वो होगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिन जिन वस्तुओं पर जीएसटी लगेगा उन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, वो उसमें मर्ज हो गई। लेकिन ध्यान रखना है, जो वस्तुएं जीएसटी से परे हैं, जैसे पेट्रोलियम, इसलिए संविधान संशोधन करके साफ साफ सरकार ने लिखवा दिया है कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल एक्साइज टैक्स ले सकेगी, अभी इसी संशोधन में लिखवाया है। ये ध्यान रखना है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म नहीं हुई है। हाँ, जीएसटी जहां जहां लगने वाला है वहां वहां सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई है। तो जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया सेंट्रल एक्साइज टैक्स। दूसरा, सर्विस टैक्स खत्म हो गया। फिर जैसे कस्टम्स ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, वो खत्म करने की कोई योजना भी नहीं है सरकार की। कस्टम ड्यूटी के साथ एक होती है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जिसको काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी कहते हैं। इसका नाम सुना है आपने, काउंटरवेलिंग ड्यूटी? इसका भी आपको अर्थ समझाते हैं। एडिशनल कस्टम ड्यूटी यानी कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी, प्रतितुलन शुल्क कई बार बोल देते हैं। एक होती है स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, SACD, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी। और एक होती है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का ही एक एक्स्ट्रा रूप है सेंट्रल एक्साइज से अलग, जो कुछ राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार ने एक बिल 1950s में पास किया था, उसके बेस पर एक एक्साइज टैक्स खास लिया जाता था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जीएसटी आने से केंद्र सरकार के कितने कर खत्म हुए, तो 15 में से 5 खत्म हुए। स्पष्ट हुआ? इन सब के नाम फिर से एक बार पढ़ देता हूँ क्योंकि एब्रीवेशन से। CED क्या है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई संविधान से, ऐसा नहीं है। GST जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ खत्म हो गई है। पेट्रोलियम पर अभी भी सेंट्रल एक्साइज लगने वाला है। सर्विस टैक्स पूरा खत्म हो गया है।
जो काउंटर वेयरिंग ड्यूटी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वो खत्म हो गई है, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म हो गई है, और जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है वो खत्म हो गई है। ये 5 टैक्सेस परसों रात को खत्म हो गए हैं, मतलब इनमें से एक का टैक्स बचा हुआ है, केवल अन्य मामलों में, इस मामले में खत्म हो गया है। राज्यों के कौन कौन से कर खत्म हुए? राज्यों का सबसे पहले कर खत्म हुआ वैट। अब यहाँ मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, वैट खत्म होने का मतलब क्या है? जहाँ जहाँ GST आ गया वहाँ वहाँ वैट खत्म हो गया, क्योंकि शराब तो बेचेंगे ही, वहाँ तो वैट ही लगेगा। बिजली बेचेंगे, बिजली भी इससे बाहर रखी है, उससे वैट लगाएंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम जो बेचेंगे, पेट्रोल डीजल बेचते हैं, उससे वैट लगाएंगे। तो जब कोई कहता है कि वैट खत्म हो गया, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जहाँ जहाँ GST लगने वाला है वहाँ वहाँ वैट खत्म हो गया। वैट के अलावा एंट्री टैक्स खत्म हो गया स्टेट्स का, एंट्री टैक्स के साथ साथ ऑक्ट्रोई खत्म हो गया। और इसका मोटा सा मतलब यह कि अब जब ट्रक निकलेगा दिल्ली से कन्याकुमारी, कहीं बीच में नाका नहीं होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में उसे कोई रोक टोक नहीं, सीधे ट्रक निकल जाएगा। ऐसे अभी क्या होता है, कार निकल जाती है, बाइक निकल जाती है, ट्रक साइड में खड़ा हो जाता है और एक दिन खड़ा रहता है बेचारा, इतनी लंबी लाइन होती है। अब ट्रक नहीं रुकेगा। और ऐसा भी नहीं कि एक नगर पालिका शुरू हुई और कुछ लोग तिरछासा लगा के बैठे हुए हैं, तीन लोग बैठे हैं और पैसा ले रहे हैं कि चुंगी है, चुंगी नाका दो। कोई चुंगी नाका नहीं, सड़कें खुल गई हैं और परसों रात को 12 बजे खुल गई। अब कई लोगों ने क्या किया, ट्रक आया 11:58 पे, तो वो नाके वाले बोले जाओ आगे, बोले नहीं अभी नहीं जाएंगे, 2 मिनट के बाद जाएंगे हम तो। और जैसे ही 12 बजे ट्रक वाले नाचने लग गए, चलो हटाओ इसको, अब हम फ्री हो गए। तो परसों डिबेट हो गई, कुछ नाके वाले अड़ गए कि जो 12 बजे से पहले यहाँ आ गए थे उनको नहीं जाने देंगे, बाकी को जाने दे रहे थे कि तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम 12 बजे से पहले आए थे, हमारे मजे ले रहे हो तुम। तो फिर फाइनली उनको क्लियर करवाया, भाई अगर मैं 11:30 बजे पहुँच गया और आधा घंटा खड़ा हूँ और 12:02 पे निकल रहा हूँ, तो नियम कौन सा लागू होगा? 12:02 वाला लागू होगा नियम, तो वो फ्री हो गए। इसके साथ एंटरटेनमेंट टैक्स, जो चीज़ें महंगी हुई हैं उनमें से एक है फिल्में, वो तो थोड़ी सी महंगी हो गई। एंटरटेनमेंट टैक्स के साथ जो अम्यूजमेंट टैक्स होता है वो भी खत्म हो गया। इसके अलावा जुआ कर जो होता है, जुआ खेलने पर कर लेते हैं, गैम्बलिंग टैक्स, वो भी खत्म हो गया। इस तरह के 7-8 टैक्स, और राज्य का एक टैक्स और खत्म हुआ है, उसका नाम है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये क्या होता है अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इसी सेंट्रल सेल्स टैक्स को खत्म करके लाए हैं IGST। IGST कुछ नहीं है, वो सेंट्रल सेल्स टैक्स का रिप्लेसमेंट है। जब IGST पढ़ाऊंगा तब मैं इसकी बैकग्राउंड समझाऊंगा कि इसमें क्या था और क्यों करते थे ऐसा। इसके अलावा एक कर होता था कि अखबारों को छोड़कर जो विज्ञापन थे उन विज्ञापनों पर कर मिलता था, विज्ञापन कर। ध्यान रखना कि अखबारों पर विज्ञापन कर मिलता था केंद्र को, अखबारों के अलावा, मतलब इस पर टीवी रेडियो भी छोड़ दीजिए, टीवी रेडियो केंद्र का है, तो टीवी रेडियो अखबार इनको छोड़ के जो भी विज्ञापन है, जैसे आप सड़क पर देख रहे हैं बहुत बड़ी होर्डिंग लगे हुए हैं, वो सारे विज्ञापन, बस के पीछे, ट्रक के पीछे, जो भी लगा हुआ है, वो सारे विज्ञापन उस पर कर किसको मिलता है? राज्य सरकार को मिलता है। वो भी खत्म हो गया, वो भी GST में मर्ज हो गया, सबज्यूम हो गया। तो इतने सारे टैक्सेस को हटाकर एक ही टैक्स आ गया, इसलिए हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। और कॉम्प्रिहेंसिव एक मामले में और है, पहले जो टैक्स थे वो एक केंद्र या एक राज्य तक सीमित थे, ये वाला टैक्स पूरे भारत पर लागू होता है, इस सेंस में भी ये टैक्स कॉम्प्रिहेंसिव है। तो GST की पहली विशेषता, ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, यानी पूरे देश में लागू होता है और बहुत सारे केंद्रीय और बहुत सारे राज्य के करों को खत्म करके, मर्ज करके, एक ही कर के रूप में लागू होता है। दूसरी बात है मल्टी स्टेज्ड टैक्स। अभी मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, फिर विस्तार में समझाएंगे कैसे कैसे लगेगा। रॉ मटेरियल बिका, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज पर प्रोडक्शन हुआ। तीसरी स्टेज पर प्रोडक्शन से होलसेलर के पास गया। चौथी स्टेज पर रिटेलर के पास गया।
और पांचवी स्टेज पर जो आम आदमी जिसने खरीदा सामान कस्टमर के पास गया। आमतौर पर ये पांच स्टेजेस होती हैं उस पूरी चेन में, रॉ मटेरियल का खरीदना, प्रोडक्शन करना, होलसेलर को भेजना यानी थोक विक्रेता जो है, वहाँ से खुदरा विक्रेता रिटेलर यानी कि दुकानदार, और वहाँ से कस्टमर। पहले की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या है? पहले ये था कि यहाँ लगेगा वैट, यहाँ लगेगा सेन वैट, यहाँ लगेगा वैट, यहाँ लगेगा वैट। पहले इतना टैक्स लगता था, पहली स्टेज पे वैट, फिर प्रोडक्शन पे सेन वैट, फिर वैट, फिर वैट। और कैस्केडिंग कहाँ हो रही थी? कैस्केडिंग थी कि इस सेन वैट पर वैट लगता जा रहा था, याद है आप लोगों को? ये कैस्केडिंग थी। अब क्या है, इन सारी स्टेजेस पर ये नहीं लगेगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सब जगह क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। और क्योंकि सब जगह जीएसटी लगेगा, इसका मतलब है कि कैस्केडिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। हर एक लेवल की जो आउटपुट लाइबिलिटी है उसमें से पीछे के टैक्स का इनपुट निकलता जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि मल्टी स्टेजेड है, जितनी भी स्टेजेस हैं सब पे ये लगेगा। तीसरा बोलते हैं वैल्यू एडिड, ये तो समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, अपने एक घंटा समझा इसको। ये जो हर जगह लगेगा जीएसटी, किस चीज़ पे लगेगा? पूरे पर या केवल वैल्यू एडिशन पर? केवल वैल्यू एडिशन पर, बाकी टैक्स वापस हो जाएगा। और अंतिम बात जो है उसको समझ लीजिए, वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इस बात ने जिन राज्यों की नींद उड़ा दी, उनमें से एक का नाम है गुजरात, एक का नाम है तमिलनाडु और एक का नाम है पंजाब। ये सारे राज्य इस वजह से इसके खिलाफ थे कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। देखिए, अगर आप पहले के टैक्सेस को देखें, अगर हम पूरी चेन को देखते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे पहले होता है प्रोडक्शन, उसके बाद होती है सेल्स, उसके बाद होता है कंजम्पशन, ऐसा ही होता है। कुछ टैक्सेस लगते हैं प्रोडक्शन पर, जैसे प्रोडक्शन पर लगने वाला एक टैक्स है एक्साइज ड्यूटी। ये बात स्पष्ट है आप लोगों को? एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पर लगती है। कुछ टैक्सेस लगते हैं सेल्स के लेवल पर, जैसे कि वैट, और बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं कंजम्पशन के लेवल पर, जैसे आप कह सकते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स है, किसने कुछ कंज्यूम किया वहां पर आपने उससे टैक्स ले लिया। इसका मतलब एक मजेदार बात यह भी थी कि टैक्सेस एक लेवल पर नहीं लगते थे, बल्कि अलग अलग लेवल्स पे लगते थे। कोई टैक्स इस लेवल पे लग गया, कोई उस लेवल पे, कोई उस लेवल पे। अब जीएसटी क्योंकि एक ही टैक्स बन के आया, तो यह तय करना था कि जीएसटी कौन से लेवल पे लगे, प्रोडक्शन पे लगे, सेल्स पे लगे, कंजम्पशन पे लगे, कहां लगे। तो अंत में जो सहमति बनी, वो सहमति ये बनी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा, और कहा गया कि ये सप्लाई पर लगेगा। सप्लाई कहने का जो मतलब है वो ये है कि सप्लाई का जो लास्ट पॉइंट है, सारा टैक्स वहाँ मिलेगा, और डेस्टिनेशन का यही मतलब है। सिंपल एग्जांपल लीजिए कि तमिलनाडु में कोई फैक्ट्री का मालिक है, उसने तमिलनाडु से ही कच्चा माल खरीदा, तमिलनाडु में ही प्रोडक्शन किया। तमिलनाडु में जब उसने प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन करने के बाद उसकी डिमांड उसके पास जो आ गई, वो आ गई दिल्ली से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा, कंज्यूमर दिल्ली का था। ये जो टैक्स हुआ रॉ मटेरियल बिकने का, वो टैक्स यहीं इकट्ठा हुआ। प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, आगे भेजा दिल्ली में, टैक्स का जो क्रेडिट था यहाँ चला गया, और अंत में जो सारा का सारा टैक्स का बेनिफिट मिला, वो बेनिफिट मिला दिल्ली को। ये बेनिफिट कैसे मिलता है, मैं डायग्राम से समझा दूंगा आप लोगों को। अभी सिर्फ इतना समझें कि जीएसटी में क्या होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन पर टैक्स जो लगता है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है, और राज्य का जो हिस्सा है वो उस राज्य को मिलेगा जिस राज्य में वो पूरी चेन खत्म हुई,
डेस्टिनेशन का मतलब ये है। अगर एक सामान तमिलनाडु से शुरू हुआ, वहाँ से पहुँच गया कर्नाटक, कर्नाटक से वैसा गुजरात पहुँच गया, गुजरात से फाइनली कंज्यूमर ने ख़रीदा पंजाब में, ये सारे टैक्सीज इकट्ठे होते 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 पंजाब को मिल जाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोड्यूसर स्टेट्स नाराज़ थे कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं उसके बाद भी फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा, और जो राज्य प्रोडक्शन नहीं करते केवल कंज्यूम करते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप सारा का सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट उन राज्यों को दे देंगे। इस बात पे तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता इतना भड़क गई थी, उन्होंने साफ कह दिया था कि ये टैक्स मेरे जीते जी पास नहीं होगा, और वही हुआ। मतलब वो उसके पक्ष में नहीं थी, एकदम नाराज थी। लोकसभा में तो वर्तमान सरकार इतनी ताकतवर है कि कुछ भी पास करवा सकती है, यहाँ तक कि लोकसभा स्थायी रूप से भंग की जाती है ये प्रस्ताव पारित करवा सकती है, कोई रोक टोक नहीं। पर राज्यसभा में बहुमत नहीं है, और संविधान संशोधन के लिए बहुमत बच्चों का खेल नहीं है, दो तिहाई बहुमत चाहिए होता है, जो बहुत दूर की कौड़ी है। भी बिना कांग्रेस की सहमति के संविधान संशोधन हो ही नहीं सकता था, बहुत सारी पार्टियों का सहयोग चाहिए था, उसके बिना संभव नहीं था। और जब राज्यसभा में फाइनली बिल पास हुआ, केवल एक पार्टी ने इस मत के समर्थन में वोट नहीं डाला, और वो है अन्नाद्रमुक, जयललिता, क्योंकि उन्होंने अंत तक ये माना कि ये जो टैक्स है ये प्रोड्यूसर स्टेट्स को नुकसान पहुंचाएगा, तमिलनाडु को, कर्नाटक को, गुजरात को, फूड वाले मामले में पंजाब को। पर अंत में वही होता कि मरता क्या ना करता, वो स्थिति हो गई। तो फाइनली तमिलनाडु ने भी अपनी असेंबली से बिल पास करवा के 21 जून को, 19 जून को शायद, अपने राज्य को GST से जोड़ लिया है। नहीं जोड़ते तो आज मतलब भूखे मरने की नौबत आ जाती, कश्मीर में आ जाएगी 5-7 दिन में, देखिएगा। कश्मीर अकेला राज्य है जहां पर 1 जुलाई को GST लागू नहीं हुआ है। 5 दिन के अंदर अंदर आप पाएंगे कश्मीर के लोग इतना परेशान हो जाएंगे कि अध्यादेश निकलेगा या कुछ निकलेगा। जैसे पश्चिम बंगाल ने अध्यादेश निकाला, केरल ने अध्यादेश निकाला, क्योंकि वो बिल पास करने के मूड में नहीं थे। पर मजबूरी ऐसी है, क्यों मजबूरी है स्पष्ट होगा अभी आपको। तो जो पहली बात समझनी थी हमें, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब सरल सा है, अगर सप्लाई उसी राज्य की उसी राज्य में रही तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस राज्य में ही कच्चा माल लिया, वहीं बनाया, वहीं किसी ने होलसेलर को दिया, वहीं रिटेलर को, वहीं खरीद लिया, कंज्यूमर के बाद खत्म, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जब भी इंटर स्टेट सेल्स की बात आएगी तो वो सप्लाई चेन अंत में जहां ख़त्म होगी, राज्य सरकार को मिलने वाला सारा टैक्स उस राज्य की सरकार को मिलेगा। इसका मतलब है कि ये टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मैं आपको विस्तृत एग्जांपल देके समझाऊंगा, अभी केवल ये बताइए कि बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना। एग्जाम्पल तो जब हम पढ़ेंगे IGST तो उसमें आएगा ही आएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये हैं GST की सामान्य विशेषताएँ। अब देखते हैं कि जो GST लागू हुआ उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और जो प्रश्न आपने पूछा अब उस पर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। GST लागू करने के लिए सबसे पहले तो एक संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जिसको 101वां संशोधन कहते हैं। इसके बाद संसद ने 4 एक्ट पारित किए, और उसके बाद सभी राज्यों ने एक एक एक्ट पारित किया, कुल मिला के 31 और 4 35 और 1 36 36 कानून पारित होने पर GST लागू हुआ है। उनमें से भी एक बचा हुआ है जम्मू कश्मीर का, वो लागू हो जाएगा जल्दी ही। संविधान संशोधन में क्या क्या है विस्तार में बात करेंगे थोड़ी देर में। संसद ने जो 4 एक्ट पारित किए उसमें से एक का नाम है CGST एक्ट। सी से क्या बनेगा? सेंट्रल, द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। जो दूसरा पारित किया है वो है UT GST एक्ट, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। तीसरा जो किया है वो है IGST एक्ट।
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, और चौथे एक्ट को छोटी भाषा में कह देते हैं कंपनसेशन एक्ट, द गुड्स एंड सर्विसेज कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट इसका पूरा नाम है। कंपनसेशन के लिए हिंदी शब्द है क्षतिपूर्ति, किसी के नुकसान की भरपाई करना, वो क्षतिपूर्ति है। तो एक तो संविधान संशोधन हुआ, संसद ने कितने एक्ट पारित किए, 4 एक्ट पारित किए, और उसके बाद सभी के सभी राज्यों ने एक एक एक्ट पारित किए जिसका नाम है SGST एक्ट, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। इन एक्ट्स के नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि GST केवल GST नहीं, उसके आगे बहुत सारी चीजें लग जाती हैं। तो ये सारे सिस्टम्स कैसे काम करते हैं अब हमें ये समझना है, ठीक है। CGST किसी भी ट्रांजैक्शन में लगने वाला वो कर है जो मिलता है केंद्र को। SGST किसी भी ट्रांजैक्शन में मिलता है राज्य को। UT GST केंद्र को मिलता है क्योंकि UT केंद्र का हिस्सा होती है, लेकिन जो असली महत्वपूर्ण मामला है वो है IGST। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे संविधान में पहले आर्टिकल 269 में एक प्रावधान था। प्रावधान ये था कि जैसे आपको पता है कि बिक्री कर राज्य सूची का विषय था, लेकिन अगर एक राज्य का दुकानदार किसी दूसरे राज्य को कुछ बेचे तब कौन सा टैक्स लगेगा, क्योंकि जिस राज्य के दुकानदार ने बेचा उस राज्य की ज्यूरिसडिक्शन उस दुकानदार तक पहुंचती नहीं है, और जिस दुकानदार ने खरीदा उस राज्य की ज्यूरिसडिक्शन उस राज्य तक नहीं है जहां से सामान बन के आया था। इसका एक समाधान ये निकाला गया था कि इंटर स्टेट सेल्स और परचेजेस पे और इंटर स्टेट जो पारेषण है, पारेषण के लिए क्या शब्द होगा, कंसाइनमेंट है, जो सामान जाने का मामला है, उन पर टैक्स केंद्र सरकार इकट्ठा करेगी। पर केंद्र सरकार क्या करेगी, इकट्ठा करेगी और जिन जिन राज्यों के बीच का मामला है वहीं पर हिसाब करके उन राज्यों को देके खत्म कर देगी। इसी को बोलते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स का पैसा मिलता राज्यों को था क्योंकि बिक्री का मामला है ना, पर क्योंकि वो बिक्री उस राज्य की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हो रही है तो वो राज्य वहां पर जाके पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। तो उन राज्यों की मदद करने के लिए अनुच्छेद 269 के तहत केंद्र की जिम्मेदारी थी कि वो इंटर स्टेट सेल्स और परचेजेस पे टैक्स वसूलेगा और टैक्स उस राज्य को देगा जिसको वो बिक्री कर मिलना चाहिए। उस व्यवस्था को बदलकर अनुच्छेद 269 में ही IGST की व्यवस्था कर दी गई है, और IGST हमेशा लागू होगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पर, और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर जब भी लागू होगा इसमें एक हिस्सा होगा सेंटर का और एक होगा स्टेट का, तो इसमें दोनों हिस्से होंगे, सेंटर का भी स्टेट का भी होगा। अब यहां मैं चलते चलते एक बात और स्पष्ट कर दूं, पहले भी ये था आज भी ये है, और ये समझ लीजिए कि राज्यों के सहमति के बिना संविधान संशोधन हो नहीं सकता था, और राज्य इतने समझदार हो चुके हैं कि वो अपना एक पैसा छोड़ने के मूड में रहते नहीं हैं। कुछ एक्स्ट्रा मिले, बार्गेनिंग होती है तब जाके यहाँ करते हैं, और खूब बार्गेनिंग की राज्यों ने। पहले क्या सिस्टम था कि राज्य के कर का पूरा पैसा राज्यों को मिलता था, केंद्र को उसमें से कुछ नहीं मिलता था। अब भी ये है, SGST का पूरा पैसा राज्य को मिलेगा, और IGST में राज्य का जो हिस्सा है पूरा राज्य को मिलेगा, उसमें केंद्र उसकी तरफ देख भी नहीं सकता कि 10 पैसे मुझे दे दो भाई, ऐसा नहीं, चवन्नी भी नहीं मिलने वाले, 10 पैसा भी नहीं मिलने वाला है। राज्य का सारा हिस्सा राज्य का ही रहेगा, राज्य जैसे चाहे कंज्यूम करे, उसकी चॉइस है। पहले संविधान में क्या था कि आर्टिकल 270 में व्यवस्था थी उन करों की जो केंद्र लगाएगा, केंद्र वसूलेगा, किंतु फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के बेस पे केंद्र और राज्यों में बटेगा। वो जो बटने वाला पैसा है उसको बोलते हैं डिविजिबल पूल, बटने योग्य धन जो है। राज्य तो ये आसानी से मानने वाले नहीं थे इस मामले में, राज्य ने यहां भी वो कंडीशन लगा दी थी कि जो CGST है
ये पैसा केंद्र को मिलेगा, पर केंद्र का है नहीं। और आईजीएसटी में भी जो सेंटर वाला पैसा है वो भी ऐसा है। ये दोनों जो पैसे हैं ये डिविजिबल पूल है जो वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस के आधार पर केंद्र और राज्यों में बटेंगे। वो पैसा पूरा केंद्र का नहीं है, वो पैसा केंद्र और राज्यों में बटेगा, लेकिन बटेगा किसके हिसाब से? फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के बेस पे बटेगा, जैसे पहले बंटता था ठीक वैसे ही बटेगा और कोई खास बात उसमें नहीं। अब ये तीनों टैक्स कैसे लगते हैं इसका हम सिस्टम समझने का प्रयास करते हैं। हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं एक ऐसी डील जो एक राज्य के भीतर ही भीतर हो गई है, और दूसरा लेंगे एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें दो राज्यों का मामला आ गया है। जब दो राज्य होंगे तो कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। और जब एक ही राज्य के अंदर होगा तो नहीं, CGST भी SGST भी दोनों लगेंगे। तो पहला लेते हैं एक राज्य के भीतर, यानी कि इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में कैसे काम होगा वो समझना है। तो हम तीन लेवल्स पर मान लेते हैं, ए बी और सी। ये मतलब पूरी सप्लाई चेन है। सी कौन है? कंज्यूमर है। सी ने सारा कंज्यूम करना है। ए ने क्या किया? 100 रुपए का कच्चा माल खरीदा, ठीक? किससे खरीदा उसको हटा देते हैं। ए ने 100 रुपए का कच्चा माल खरीदा और हम एज्यूम कर लेते हैं कि GST की रेट 20% है, ठीक है? एज्यूम कर रहे हैं, वैसे तो आपको पता है कि 20% नहीं होती है। अब जो 20% की रेट होगी ना, वो 20% नहीं होगा। 20 का मतलब है कि CGST में रेट 10% की है और SGST में रेट 10% की है। ये दोनों रेट्स हमेशा बराबर होंगी किसी भी वस्तु पर। जब भी GST लगेगा, अगर एक ही राज्य के भीतर ही भीतर है, तो CGST और SGST बराबर दर से लगेंगे। इसलिए उस राज्य के SGST एक्ट में उस वस्तु पर लिखा होगा कि 10% SGST लिया जाएगा, और CGST एक्ट में क्या लिखा होगा उसी वस्तु के बारे में? 10% CGST लिया जाएगा, ठीक है? और दोनों एक्ट्स लागू होते हैं उस राज्य के व्यक्ति पर, तो दोनों के हिसाब से वो करेगा। अभी क्या करें, 100 रुपए पर 100 रुपए प्लस 10 रुपए CGST प्लस 10 रुपए SGST, और ये 120 रुपए पे कर देगा। यहां तक स्पष्ट हुआ? ये पहला चरण है। कल बड़ा हल्ला था बाजार में कि इन्वॉइस कैसे बनानी है, सही इन्वॉइस का सैंपल नहीं है, क्या करें। आज सरकार ने स्पष्ट किया, कुछ नहीं करना है, कैसी भी इन्वॉइस बना लो, बस CGST SGST या IGST ये दो मेंशन होने चाहिए और एक HSN नंबर मेंशन होना चाहिए। कैसी भी रसीद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये डिटेल्स आनी चाहिए। तो ये उसका टैक्स बनेगा, ये उसका बिल बनेगा कि रॉ मटेरियल 100 रुपए, 10 रुपए CGST, 10 रुपए SGST, 120 रुपए हो गए। तो ए ने क्या किया, 120 रुपए पे करके सामान खरीदा है। फिर ए ने सोचा कि मैं इसमें 40 रुपए की वैल्यू बढ़ा लेता हूं। स्पष्ट एकदम? अब इसने बी को सामान बेचा या बी ने ए से सामान खरीदा, कैसे खरीदा? अब जो कॉस्ट है वो हो गई 140 रुपए। मैं पहले ही कह रहा हूं GST वैट प्रिंसिपल पे चलने वाला टैक्स है। इसका मतलब टैक्स टैक्स पे नहीं लगेगा, टैक्स केवल वैल्यू पे लगेगा। और पहले वैल्यू कितनी थी? 100 थी, उसमें वैल्यू बढ़ी है 40 रुपए, तो 140 पर टैक्स बनेगा। हम फिर से मानते हैं कि 140 पर 20%, क्योंकि टैक्स की रेट तो वही है, 10 वो 10 वो। अब क्या हो जाएगा, 10 रुपए 14 रुपए CGST और 14 रुपए SGST, और अब ये वस्तु हो गई 168 रुपए की। यानी जब बी खरीदेगा ए से, बी 168 रुपए पे करेगा ए को,
और ए ने पहले कितने पे किए थे किसी और अदृश्य व्यक्ति को, एक्स को मान लीजिए, 120 पे किए थे। अब बी ने 168 रुपए पे किए ए को। अब सवाल है कि ए कितना टैक्स सरकार को देगा, बी से उसने 168 रुपए ले लिए। ए क्या करेगा, SGST 14 रुपए उसका आउटपुट है और SGST में 10 रुपए इनपुट है। ठीक वैसे CGST में आउटपुट 14 रुपए है, CGST में इनपुट 10 रुपए है, तो ये 4 रुपए CGST में, 4 रुपए SGST में पे करेगा, यानी इसने पे कितना किया 8 रुपए। 40 रुपए का वैल्यू एडिशन था, 40 का 20% 8 ही पे करेगा, पर वो 8 रुपए किसी एक को पे ना करके दो संस्थाओं को पे करेगा, 4 CGST में और 4 SGST में। इनपुट क्रेडिट CGST का इनपुट क्रेडिट CGST के आउटपुट में ही एडजस्ट होगा और SGST का इनपुट क्रेडिट SGST के आउटपुट में एडजस्ट होगा। आप लोग सच में समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जैसी लगे मुश्किल है बताइए, मैं आसान करके 5 मिनट में सारा ख़त्म कर दूंगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि GST पूरा हो गया। फिर आप कहेंगे बधाई हो गोपाल सिंह तिवारी हुआ है। अब बी से सी को बेचना है। मान लेते हैं कि बी ने क्या किया, इसमें 60 रुपए की वैल्यू जोड़ दी अपनी मेहनत से और कहा कि मैं तो भाई 60 रुपए प्रॉफिट लेके बेचूंगा इसको। तो बी से सी को बिकते समय इस वस्तु की कीमत हो गई 200 रुपए। अब 200 क्यों ही समझाने की जरूरत है, 60 रुपए 168 में जोड़ेंगे या 140 में जोड़ेंगे, केवल वैल्यू एडिशन में। पहले 140 की वैल्यू थी, अब 60 की और वैल्यू बन गई, 200 की वैल्यू है। टैक्स वही है, 10% CGST 20 रुपए, 10% SGST 20 रुपए, यानी कि 240 रुपए। तो सी क्या करेगा, बी से 240 रुपए ले लेगा, सॉरी मतलब सी बी को 240 रुपए दे देगा। अब टैक्स कितना पे होगा, पीछे का इनपुट क्रेडिट देख लीजिए, 14 रुपए क्रेडिट यहां पर है और यहां 20 रुपए लगे हैं, 6 रुपए यहां टैक्स पे होगा और 6 ही रुपए SGST यहां पे होगा। तो अब क्या होगा, 12 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर वैल्यू एडिशन 60 रुपए है और 60 का 20% 12 ही बनेगा। कुल मिलाकर एक्स नाम के आदमी ने जब सामान बेचा, इसने 10 और 10 रुपए टैक्स पे किया। जब ए ने बी को सामान पे किया, इस 10 और 10 का फायदा उठाते हुए अपनी तरफ से केवल 4 रुपए टैक्स पे किया, 14 हो गया। और बी ने जब सी को बेचा, इस 14 का फायदा उठाते हुए जो 20 रुपए टैक्स दिया था, यानी दिया 20 रुपए, उसमें से काट लिया 14 रुपए, तो सरकार को इसने 6 रुपए दिए जबकि कस्टमर से 20 रुपए लिए। 10 रुपए वहां, 4 यहां, 6 यहां, कुल टैक्स जो पे हुआ 20 और 20 40 रुपए, क्योंकि वैल्यू एडिशन 200 रुपए का है। इस तरह से GST में इंट्रा स्टेट सेल्स में GST ऐसे लगता है। और ये केवल हम सेल्स की बात नहीं कर रहे, प्रोडक्शन भी इसमें सब कुछ इसी में, अब तो सब इसी में आ गया ना, शराब छोड़ के किसी भी चीज का प्रोडक्शन और सेल हो सब पर केवल GST लगेगा। केवल शराब का नाम आते ही मामला बदल जाएगा, या बिजली में बदलेगा, पेट्रोलियम में बदलेगा, बाकी सब चीज़ों में यही सिस्टम चलता रहेगा। अगर यहाँ तक समझ आ गया हो तो असली चीज़ अब है IGST, जो थोड़ा सा इसकी तुलना में कठिन है। समझे, आप लोगों को ब्रेक की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है ना? मुझे बताया कुछ लोगों ने कि आप लोगों का जो ये जो बैच है, इस बैच के बच्चे जो हैं 6-6 घंटे पढ़ लेते बिना ब्रेक के। आपकी बड़ी तारीफ मैंने सुनी है, तो आज मैं सोच रहा हूँ इसको आजमा के देख लेते हैं। आजमा के देखें, चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंटर स्टेट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स पर। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो टैक्स अप्लाई होगा वो IGST है,
जिसका जिक्र आर्टिकल 269 के बाद एक जोड़ा गया है 269A संविधान में, IGST उसके तहत होगा। IGST कैसे लगता है हमें ये समझना है, और उसमें असली बात है कि इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट ट्रांसफ़र कैसे होता है, समझने का मसला सिर्फ ये है। ठीक, तो इसमें हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लेते हैं, बीच में एक लाइन खींच दीजिए, ए बी सी और डी। अभी लाइन के आप समझ ही गए होंगे कि दो राज्यों के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है, यहाँ से दूसरा राज्य शुरू हो गया है। अब समझते हैं कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस होंगी। इन तीन ट्रांजैक्शंस में से दो तो आप अपने आप समझ जाएंगे, एक में केवल थोड़ा समझना होगा। तो ए को मान लेते हैं रॉ मटेरियल सप्लायर है, ठीक, बी को मान लेते हैं कि फैक्ट्री ऑनर है या प्रोड्यूसर है, सी को मान लेते हैं कि वो क्या कहें होलसेलर है, ठीक है होलसेलर है, और डी को मान लेते हैं रिटेलर है या कस्टमर, मान लीजिए सीधा कस्टमर चला गया सीधे होलसेलर के पास कि मुझे थोक में ही दे दो कोई बात नहीं, ठीक है कस्टमर मान लीजिए, होलसेलर की जगह रिटेलर भी मान सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चेन में एक व्यक्ति कम होता है, ऐसा कई बार होता है। तो अब देखते हैं कि क्योंकि बीच में एक राज्य और आ गया है तो ये चेन कैसे काम करेगी, इसको देखें। रॉ मटेरियल के सप्लायर ने फिर वही 100 रुपये कर लेते हैं, 100 रुपये का सामान है। अब ये व्यक्ति जो बेच रहा है, जिसको बेच रहा है, अपने ही राज्य में बेच रहा है किसी और राज्य में बेच रहा है, अपने ही राज्य में, तो बता दीजिए यहाँ क्या लिखेगा, ये लिखेगा केवल CST या CGST SGST, मेरे पास तो जगह कम है लेकिन वो तो लिखेगा ना पूरा CGST SGST, कितना कितना हम वही 20% मान लेते हैं, 10-10 रुपए इसकी इनवॉइस बन गई 120 रुपए की। इस व्यक्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये साबित नहीं कर सकता कि इसने कहाँ से खरीदा था। इस पूरी चेन का जो सबसे पहला व्यक्ति है उसको इनपुट टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता क्योंकि वो शुरुआती प्रोड्यूसर है ना, उसको ये बेनिफिट नहीं मिलता, उसके बाद ये बेनिफिट लगातार चलता रहता है। तो ध्यान रखिए, पहला व्यक्ति जितना टैक्स पे करेगा वो उतना ही रहेगा हमेशा, बाद के लोग उतना उतना कम करते चलेंगे, तो पहले व्यक्ति को बेनिफिट नहीं मिलता है। अब मामला यहाँ आ गया, बी ने तय किया कि मैं इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा, तो प्रॉफिट आप बताइए कितना जोड़ना चाह रहे हैं, 40 रुपये कई बार जोड़ लिया है, 50 कर दें, चलिए 50 कर देते हैं। तो इसने कहा कि 100 का तो पड़ा था, मैं इसमें 50 रुपये जोड़ रहा हूँ अपना प्रॉफिट, तो अब ये शुरुआत हो गई 150 रुपये से, ठीक है, टैक्स है 20%, यानी कि 10-10। पर क्योंकि इसकी सेल इंटरस्टेट है, इसकी इनवॉइस में लिखा होगा IGST और सीधा 20% एक साथ लिखा होगा 30 रुपए, और ये हो गया 180 रुपए। ठीक, जब भी आप अपने राज्य से बाहर किसी और राज्य में सप्लाई करेंगे तो आप ना CGST लिखेंगे ना SGST लिखेंगे, आप सिंपल लिखेंगे IGST, और IGST के सामने लिखा हुआ है जो 20% की दर आपने तय की 180 रुपए। यहाँ तक भी स्पष्ट हो गया। जो सोचने की बात है वो ये कि इस व्यक्ति ने जो 180 रुपए पे किया, क्या इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने इनपुट में आया था CGST और SGST, और आउटपुट में है IGST। अगर आउटपुट में IGST है और इनपुट में CG और SGST है तो ये क्रेडिट का ट्रांसफ़र कैसे होगा। इसके लिए IGST एक्ट ने व्यवस्था कर रखी है। IGST एक्ट कहता है कि इनपुट क्रेडिट बेनिफिट जो मिलेगा किस क्रम में मिलेगा, सबसे पहले देखेंगे अगर IGST है तो उसका इनपुट का बेनिफिट देंगे, उसके बाद CGST का, फिर SGST का देंगे, तीनों का देंगे।
IGST के आउटपुट में इनपुट बेनिफिट तीनों का मिलेगा, पर क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले IGST, फिर CGST, फिर SGST। इनमें से जो जो एप्लीकेबल है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब जब ये व्यक्ति सरकार को रिटर्न भरेगा अपना, उसमें क्या लिखेगा? मैंने 180 का बेचा, उसमें से आउटपुट टैक्स कितना है? 30 रुपये, IGST है। अब इनपुट टैक्स कितना है? तो इनपुट टैक्स में IGST था या नहीं था? जोर से बोलिए। नहीं था, तो IGST में लिखेगा 0। CGST में क्या लिखेगा? 10 रुपये। और SGST में 10 रुपये। और इसका मतलब ये 20 रुपये हो गया एडजस्ट, और 20 रुपये काट लेगा, और ये टैक्स कितना पे करेगा? सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये पे करेगा। 10 ही करेगा ना, हाँ 20% है ना, 10 रुपये पे कर देगा। असली खेल इसके बाद वाला है, क्योंकि ये क्या करेगा अब? इसके पास तो बहुत हलवा होके पहुंचा है, यहां तो फिर भी एक ही लेवल था, यहां तो और अगला लेवल आ गया है। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, जब इसके पास सामान आ गया 150 रुपये में, तो इसने देख लिया कि जो सप्लाई की वैल्यू है वो 150 रुपये की है, यानी 150 रुपये का सामान उसने खरीदा है टैक्स हटा के, टैक्स काउंट नहीं करना है। अब उसने तय किया कि मैं भी इसके ऊपर 50 रुपये कमाऊंगा, तो 50 रुपये हो गया इसका प्रॉफिट। तो इसके पास से वस्तु की कीमत क्या हो गई? 200 रुपये हो गई। टैक्स 20% ही है, और मजे की बात है कि इसको बेचना है इसको, और जब ये इसको बेचेगा तो ये तो स्टेट के अंदर का मामला है। तो क्या अगर 200 रुपये के बाद लगाएगा CGST 20 रुपये, SGST 20 रुपये, यानी 240 रुपये में ये इसको बेच देगा, यही करेगा ना, 240 का बेच दिया। अब हमारे सामने संकट सिर्फ इतना है कि कस्टमर ने 240 रुपये दिए, उसको ये सब कहानी नहीं पता कहाँ से क्या क्या हो क्या है। एंड कंज्यूमर हमेशा वही पेमेंट करेगा जो टैक्स की सारी पेमेंट है, ये 240 पे करेगा। इसके ऊपर तो जो 20% टैक्स है वो लगना ही लगना है, 200 का सामान 20 का टैक्स। इसको तो आराम सिर्फ इतना है कि 200 के सामान का मतलब 200 का सामान है, उसमें टैक्स अंदर शामिल नहीं है, उसको तो ये आराम है। अब सवाल है कि इस व्यक्ति ने जो 40 रुपये टैक्स लिया है, ये आउटपुट टैक्स है, क्या ये सरकार को 40 रुपये टैक्स पे करेगा या इसमें से इनपुट का बेनिफिट इसको मिलेगा? सवाल ये है, वही समझने की बात है, कैसे मिलेगा। अब IGST का बेनिफिट ये ले सकता है, ये क्या करेगा अब देखिए इसके बाद ध्यान से। CGST है 20 रुपये, SGST है 20 रुपये। ये पहले CGST का बेनिफिट लेगा, कितना बेनिफिट है? CGST इसके पास केवल 10 रुपये आया हुआ है, इतना ही है ना, जो इसके पास टैक्स आया हुआ है 30 रुपये IGST था, इसमें से जो बेनिफिट मिल गया था। अब एक बार ध्यान से समझिए, जो टैक्स इसके पास आया हुआ है 10 रुपये है SGST, 10 है CGST, और जो बच गया इस 30 में से वो 10 कौन सा है? वो 10 है IGST। जो इसके पास आया हुआ था उसमें से 10 रुपये IGST है, 10 CGST है, 10 SGST है, तो CGST इनपुट क्रेडिट 10 रुपये इसको मिल जाएगा। स्पष्ट हुआ यहां तक? IGST क्रेडिट इसको मिल जाएगा, क्योंकि IGST केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार का ये क्रेडिट सभी राज्यों को मिल जाता है। जो मामला फंसेगा वो केवल ये फंसेगा कि ये जो SGST 10 रुपये है ये इस राज्य की सरकार के पास है, और इसका इनपुट अगर मिला तो ये SGST का क्रेडिट 10 रुपये का इस राज्य की सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और अगर ये तीनों क्रेडिट मिल जाएंगे तो आप समझ रहे हैं कि 40 रुपये टैक्स पे किया, 30 वापस मिल गया, टैक्स कितना पे करना पड़ा? 10 रुपये करना पड़ा, और क्योंकि वैल्यू एडिशन 50 रुपये है, टैक्स 20% है, 10 रुपये लगना चाहिए। इसका मैकेनिज्म ये है IGST के तहत, जब भी किसी स्टेट से सप्लाई किसी और स्टेट में होगी, उस स्टेट की सरकार उस वस्तु पर जितना भी SGST का क्रेडिट है वो ट्रांसफर कर देगी केंद्र को, और जैसी वो वस्तु किसी और राज्य में बिकेगी, केंद्र सरकार
उस क्रेडिट को ट्रांसफर कर देगी उस राज्य की सरकार को। ये वाले 10 रुपए जो इस राज्य की सरकार के खाते में चले गए थे, जैसी वस्तु उस राज्य से बाहर बिकेगी, राज्य सरकार अपने आप वो पैसे केंद्र के पास भेज देगी, और केंद्र सरकार को जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो वस्तु उस राज्य में बिकी है, तो केंद्र सरकार उस राज्य को ट्रांसफर कर देगी वो वाले 10 रुपए, और वो 10 रुपए का क्रेडिट जो SGST का है ये व्यक्ति काट लेगा, और राज्य सरकार को पैसा केंद्र सरकार की तरफ से उस राज्य की सरकार से लेके पहुंच जाएगा। ये अकेली थोड़ी सी मुश्किल चीज़ थी, जो मेरा ख्याल है कि आपको मुश्किल लगी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों की ख्याति जो मैंने सुनी है उसके बाद अच्छा लगा, फिर से सुनने का मन कर रहा है आपका वंस मोर। वैसे समझ में आ रहा है ना ठीक तरीके से? ये कह रहे हैं कि पिछले 2 मिनट वाला एक बार टेलीकास्ट फिर से हो जाए, री टेलीकास्ट हो जाए, रीप्ले हो जाए। तो देखिए, ध्यान से देखिए एक बार इसी इक्वेशन को, बनाई हुए अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पहले मामले में 100 रुपये कीमत, 10 रुपये CGST, 10 रुपये SGST। CGST किसके पास चला गया? केंद्र के पास। SGST किसको चला गया? राज्य के पास चला गया। अब ये व्यक्ति आया, इसने जब टैक्स भरा, इसका आउटपुट टैक्स कितना है? 30 रुपये है। इसको 30 में से वो टैक्स वापस चाहिए जो पहले पे किया हुआ था, और IGST एक्ट साफ साफ कहता है कि IGST जब आप पे करते हैं आउटपुट में, तो इनपुट में IGST भी ले सकते हैं क्रेडिट, उसके बाद CGST ले सकते हैं, उसके बाद SGST ले सकते हैं। तो उसने इनवॉइस में साफ साफ लिखा कि IGST जो मैंने दिया है, इसके इनपुट में IGST नहीं था, 0 है। CGST 10 रुपये था, तो केंद्र सरकार क्या करेगी? जो CGST उसके खाते में था वो यहाँ एडजस्ट कर देगी, और SGST भी 10 रुपये था, वो एडजस्ट कर दिया, अकाउंट से बात चली गई, और इसने 10 रुपये टैक्स पे कर दिया। और अब इस वस्तु के ऊपर जो टैक्सेस इकट्ठे हुए हैं अगले लेवल पर, वो है 10 रुपये का CGST, 10 का SGST और 10 रुपये का IGST। ये मेरी बात समझ में आई? कौन थे भैया? हाँ, ये बात समझ में आ रही है? जो 30 रुपये टैक्स है, ये 30 रुपये, इस 30 में से 10 CGST है, 10 SGST है और 10 IGST है। यहाँ तक स्पष्ट है? अब जब इंटरस्टेट सेल हुई, यहाँ बात आई। अब इस व्यक्ति के सामने दिक्कत है कि जो टैक्स इसने पे किया 40 रुपये, इस 40 में से पैसा कितना वापस मिलेगा? CGST में से CGST निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 रुपये CGST के निकल गए जो थे, क्योंकि IGST भी केंद्र सरकार का है, वो निकालने में भी दिक्कत नहीं है, तो IGST भी 10 रुपये निकाल लिए, क्योंकि इसके पास CGST की पेमेंट 20 रुपये की थी और पहले से दोनों इनपुट से ही। अब केवल एक समस्या बची कि वो 10 रुपये कैसे मिलेंगे जो इस व्यक्ति ने अपने स्टेट को पे किए थे, और इसका समाधान ये है कि जिस स्टेट को SGST मिला था, क्योंकि सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, कंप्यूटराइज सब कुछ है, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, सब क्लियर है, कन्फ्यूजन का स्कोप ही नहीं। यहाँ तक कि ट्रकों की चेकिंग का स्कोप खत्म हो गया, ट्रक मतलब सबसे बड़ी गड़बड़ी ट्रांसपोर्टेशन में हुआ करती थी, ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ी की संभावना शून्य कर दी सरकार ने, हालांकि वो लागू नहीं किया, 1 जुलाई से लागू करना था, उसको थोड़ा रोक लिया 3 महीने के लिए। अब हालत ये है कि ट्रक या ट्रांसपोर्ट वाले गड़बड़ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा सिस्टम बना दिया है। और जैसे ही ये एक स्टेट से बाहर निकला, केंद्र सरकार को पूरी सूचना है कि ये सामान इस राज्य से इस राज्य में जा रहा है, और जैसे ही वो बिकेगा, ये इनवॉइस चढ़ाएगा, इन्फॉर्मेशन आ गई किस राज्य में बिका है, और जिस राज्य में बिकेगा वो राज्य केंद्र को 10 रुपये भेज देगा, और केंद्र उस राज्य को SGST इनपुट क्रेडिट के तौर पर 10 रुपये भेज देगा, और ये व्यक्ति उसको मेंशन करके टैक्स देने से बच जाएगा, उसे 10 रुपये पे करने पड़ेंगे जो उसने वैल्यू एडिशन किया है। तो इंटरस्टेट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो ट्रेडर्स वगैरह हैं जब प्रैक्टिस में आते हैं, उनको तो सब पता होता है, IGST भरना, ये भरना, वगैरह 4 दिन होते होते उनकी उंगलियों पर सब्जियाँ आ जाती हैं, और उसी तरह से टाइप करके लिख के अपना काम चला लेते हैं। इस तरह से GST सिस्टम काम करने वाला है, और GST सिस्टम पूरा का पूरा काम करेगा एक नेटवर्क पर जिसका नाम है GSTN या GST नेटवर्क।
1380 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए हैं इन्फोसिस को। इन्फोसिस आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर्स में एक बड़ी कंपनी का नाम है, नारायण मूर्ति जिसके को फाउंडर हैं। इन्फोसिस ने पिछले 18 महीने में वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिस पर ये सारा काम होगा। जितने भी लोग जीएसटी के दायरे में हैं सबको केवल एक वेबसाइट पर जाना है, वो है GSTN। हाथ से फॉर्म भर के टैक्स भर ही नहीं सकते, टैक्स रिटर्न केवल ऑनलाइन भरना है, दूसरा कोई स्कोप ही नहीं है। एक ही वेबसाइट पे है GSTN, हर एक राज्य का इस पर अकाउंट बना हुआ है। आप जिस जिस राज्य में काम करते हैं उस राज्य के पोर्टल पर जाके अपनी एंट्री कर दीजिए, एक ही नंबर मिलेगा GSTIN। उस GSTIN नंबर से आप हर राज्य के पोर्टल पे अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस मेंशन करेंगे, वहाँ से अपने आप टैक्स इनपुट टैक्स आउटपुट के फार्मूले बन के आपके पास एंट्रीज होती जाएंगी और हर महीने के महीने आपका टैक्स एडजस्ट होता जाएगा। सिस्टम इतना शानदार है, ये खतरा ज़रूर है कि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंप्यूटर पर चलेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, पर आपको सरकार पर भरोसा हो ना हो, नारायण मूर्ति पर तो होगा ही। उन्होंने परसों एक इंटरव्यू में कहा है कि एकदम चिंता मत कीजिए, हमने पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है और GST प्लेटफॉर्म पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर चीज़ इस पर रहेगी। आपने इनपुट लिया, आउटपुट दिया, वहाँ एंट्री हो गई, उस पर चला गया और कोड है, आपने जिस व्यक्ति से लिए है उसके GSTIN का कोड आप भरेंगे, कुछ नाम पता भरने की ज़रूरत नहीं, हालांकि इसमें स्कोप है नाम पता लिखने का भी। आप सिंपल लिखेंगे इस कोड वाले व्यक्ति से इतना सामान लिया, ये आपका इनपुट हो गया, और उसके आउटपुट में ये दिखना चाहिए कि इस GSTIN कोड वाले व्यक्ति को इतने का सामान दिया, और कौन सा सामान दिया, उसके कोड हैं, जो इंटरनेशनल कस्टम्स अथॉरिटी है उसके कोड्स को फॉलो कर लिया, उसको HSN कहते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यानी अगर सिगरेट है उसका एक खास कोड है तो कोड रैंडम नहीं, पूरी दुनिया में जो कोड चलता है वही कोड यहाँ अप्लाई कर दिया है। इससे इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, बाहर के लोगों को यहाँ बिजनेस करना हो, यहाँ के लोगों को बाहर बिजनेस करना हो, कोई समस्या नहीं, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कोड लिखेंगे दुनिया भर में कन्फर्म हो गया कौन सी वस्तु आप भेज रहे हैं। इनवॉइस में क्या होगा, टैक्स इनपुट टैक्स आउटपुट और HSN कोड, ये तीन चीज़ें हैं केवल, और आप उसमें एंट्री करेंगे। वो पोर्टल ऐसा बना दिया है कि आपके टैक्स की रियल टाइम में सारी एंट्रीज मिलती रहेंगी, और जब भी कोई घपला करेगा कि पीछे वाला कहे कि मैंने इसको बेचा और इसने इनपुट का फ़ायदा लिया ही नहीं, आगे ट्रांजैक्शन दिखाई ही नहीं, तो सीधे एक ऑटोमेटिक नोटिस पहुंच जाएगा उसके पास कंप्यूटर से या SMS से कि इस इनपुट पर आपने कोई ट्रांजैक्शन दिखाई नहीं है, इसकी वजह बताइए। और निश्चित समय सीमा के बाद अगर 2-3 बार ऐसा होता है तो सरकार पहुंच जाएगी उसे घर पे ही। सरकार अभी बहुत एक्शन लेगी नहीं जानबूझ के, उसको पता इतना बड़ा प्रयोग है, ज़्यादा कुछ किया तो लोग सड़क पे ना उतर जाएं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन वाले काम को रोक दिया है। अभी ट्रांसपोर्ट में क्या किया आप जानते हैं, एक ई वे बिल नाम से कंसेप्ट लेके आ गए हैं। जब भी कोई सामान किसी ट्रक पे लोड होगा 50,000 रुपये से अधिक कीमत का, उसकी इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन GSTN पे देनी होगी, और उसमें साफ साफ लिखना होगा कितने बजकर कितने मिनट पर ये सामान इस ट्रक पे, ट्रक का नंबर भी लिखना होगा, इस ट्रक नंबर से शुरू हुआ चलना, और वो इन्फॉर्मेशन GSTN से कहाँ कहाँ जाएगी, सप्लायर के पास चली जाएगी, जो पर सेंडर है उसके पास, जो जिसके पास जा रहा है रेसिपिएंट उसके पास जाएगी, जो ट्रांसपोर्टर है उसके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, और GSTN पे तो है ही, और GSTN पे जो अधिकारी हैं वो जब अपना अकाउंट खोलेंगे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपके इलाके से ये ट्रक गुजर रहे हैं, इन ट्रकों में ये सामान है, इतना किलोग्राम है, ये टैक्स रेट वाला सामान है। दूसरा खेल क्या होता था कि ट्रक दिखाया एक बार, गुजर गया 6 बार, गया आया और एक बार दिखा दिया। ई वे बिल्स की व्यवस्था में टाइम फिक्स कर दिया है कि 100 किलोमीटर की यात्रा है तो इसके लिए अधिकतम 1 दिन मिलेगा, आप ये दिखा ही नहीं सकते कि परसों चले थे आज पहुंचे हैं, 1 दिन से ऊपर मिलेगा ही नहीं। 300 किलोमीटर 3 दिन, 500 5 दिन,
500 से 1000 10 दिन, 1000 से ऊपर 15 दिन, उससे ऊपर समय ही नहीं मिलेगा। अगर बीच में ट्रक खराब हो गया या ट्रक बदलना पड़ा, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टर को, उसी में ऐड हो जाएगी कि यहाँ तक इस ट्रक से आया, यहाँ से ये ट्रक चेंज हो गया। और बाद में जो पुराने ट्रक वाला है उसको बताना पड़ेगा ये ट्रक वापस खाली गया है, कुछ लेके गया जो खराब हुआ था। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, कौन सा ट्रक किस दिन कहाँ से गुजर रहा है, क्या सामान लेके गुजर रहा है। और रेवेन्यू ऑफिशियल्स को सिर्फ इतना करना है कि बीच बीच में 5% के आसपास मामलों में जहाँ इन्फॉर्मेशन हो कि घपला हो रहा है वहाँ जाके चेक कर लेना है। रेवेन्यू ऑफिशियल्स घपला ना कर सके इसकी व्यवस्था भी कर दी है कि आप केवल वही ट्रक चेक करेंगे जहाँ आपके पास प्रामाणिक सूचना हो कि उसमें कुछ टैक्स इवेजन हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। और जब भी आप इंस्पेक्शन करेंगे उसके 24 घंटे के अंदर GSTN पोर्टल पे आप रिपोर्ट सबमिट कर देंगे उसके, यानी रिश्वत की व्यवस्था करने का समय 24 घंटे ही है बस, उससे ऊपर समय ही नहीं है। वरना चलता रहता था कि करेंगे करेंगे करेंगे, 3 दिन में फाइनल रिपोर्ट, 1 दिन में समरी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी उसी पोर्टल पे, सब कुछ उस पोर्टल पे है। अब इस ई वे बिल्स की वजह से ट्रांसपोर्टर्स बहुत दबाव में थे, ट्रांसपोर्टर्स जो थे सो थे, बाकी सब बहुत दबाव में थे क्योंकि बहुत सारा सामान तो वो चोरी छिपे भेज देते थे, उस पर टैक्स ही नहीं लगता था। आपने 100 कंप्यूटर बनाए, 100 में से 30 पे टैक्स दिया, 70 ऐसे साथ ही भेज दिए। अगर ई वे बिल्स की व्यवस्था ठीक तरीके से चल पड़ी और 100 के 100 कंप्यूटर्स की एंट्री होनी शुरू हो गई तो सरकार टैक्स कम कर देगी और सरकार का टैक्स बढ़ जाएगा, टैक्स बेस बढ़ जाएगा ना बहुत सारा। और टैक्स बेस बढ़ने का मतलब है टैक्स कलेक्शन में सबसे बड़ा बेनिफिट तो वही होता है। इस तरह से सिस्टम बनाया है, लेकिन ई वे को रोक दिया, इससे रोक दिया। असली वजह मुझे लगता है इसलिए रोका है कि सरकार को लगा होगा कि इतना बड़ा परिवर्तन एक झटके में कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि ट्रांसपोर्टर्स ने अगर हड़ताल कर दी तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो कहा गया है वो ये कि इन्फोसिस ने कहा है कि अभी हम इसका पूरा सिस्टम बना नहीं पाए हैं, कुछ टाइम लगेगा। राज्य कह रहे हैं जल्दी करो इसको, क्योंकि राज्यों को लग रहा है जल्दी से पैसा आना शुरू हो। तो उस मीटिंग में, GST काउंसिल की मीटिंग में NIC को बुलाया गया है। NIC है नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, जो सरकार के सॉफ्टवेयर आमतौर पर डिज़ाइन करता है। जब इन्फोसिस ने कह दिया कि बहुत जल्दी हम नहीं कर पाएंगे, हमें टाइम चाहिए थोड़ा सा, NIC से पूछा कि आप कर पाएंगे या नहीं, और फाइनली इन्फोसिस और NIC दोनों मिलके काम कर रहे हैं और लगता है कि 2-3 महीने में काम होगा। और मेरा अपना मानना है कि 2-3 महीने में मामला शांत हो जाएगा, फिर लागू करेंगे। एक झटका देने के बाद 2-4 महीने संघर्ष विराम, संघर्ष जिसको बोलते हैं ना महात्मा गांधी, कि थोड़ा सा झटका दो, थोड़ा चुप हो जाओ, जब लोग झटका झेल लें फिर अगला झटका दो। एक साथ बड़ा झटका देने में दबाव ज़्यादा बढ़ता है और लोग सड़क पे आ सकते हैं, सड़क पे ना आ जाएं, ये व्यवस्था करनी चाहिए। हम लगभग आधी बातें कर चुके हैं,